हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स लर्निंग फन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूकेजी हिंदी वर्कशीट। सो जो भी बच्चे अभी यूकेजी क्लास में गए हैं या अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए वर्कशीट काफी हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको पता चल सके कि यूकेजी क्लास में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे पैटर्न्स को यूज किया है जो यूकेजी क्लास में बच्चों को करवाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की वर्कशीट में हम लोगों ने कौन कौन से पैटर्न्स को यूज किया है। इस वर्कशीट को मैंने काफी कलरफुल बनाया है क्योंकि बच्चे जो है वो छोटे होते हैं तो उनको कलरफुल चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए चित्रों का पहला वर्ण लिखो। यूकेजी क्लास में बच्चों को स्वर और व्यंजन अच्छे तरीके से बता दिए जाते हैं तो उनको, यानी कि जो स्वर है हमारे अ से अह तक और क से ज्ञ तक जो हमारे व्यंजन है वो अच्छे तरीके से आते हैं। साथ ही साथ उनको 12 कड़ी भी बताई जाती है। तो यहाँ पे जो हमें पिक्चर्स दी गई हैं, यानी कि जो चित्र दिए गए हैं, उनका जो पहला अक्षर है यानी पहला वर्ण है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पिक्चर दी गई है। सो पहली पिक्चर है यहाँ पे झंडा, झंडा, झ झ यहाँ पे बनाना है हमें, झ से बनता है झंडा। इसके बाद है मोर, म मोर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे म। यहाँ पे है कबूतर, क्या बना है बच्चों, कबूतर, क क, यानी कि पहला वर्ण आएगा हमारा क। फिर है टमाटर, टमाटर, तो यहाँ पे हमें लिखना है ट। ये बहुत ही इजी वर्कशीट है, इस तरह की वर्कशीट आप बना के बच्चों को घर पे शेयर कर सकते हैं। घर, घर, घ, घ से घर, तो यहाँ पे हमारी जो पहली वर्कशीट थी यानी कि जिसमें हमें चित्रों को देख करके पहला वर्ण लिखना था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं और इन वर्णों को हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट वर्ण है उसके साथ ऐड करके एक नया शब्द बना के यहाँ लिखना है। तो बनेगा न ल, न ल, नल, तो हमें लिखना है यहाँ पे नल, न ल, नल। क ल, क ल, कल, क ल, कल। प ल, प ल, पल। ट ल, ट ल, टल। ह ल, ह ल, हल। इसी तरीके से और भी जो हमारे जोड़ करके हमें बनाने हैं वो यहाँ पे नए शब्द बन जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों को पहचान कर शब्दों से मिलाइए। यहाँ पे हमें कुछ शब्द लिख के दिए गए हैं और यहाँ पे उनसे रिलेटेड पिक्चर्स जो है वो हमने पेस्ट की है। तो पहला शब्द है लड़की, लड़की, लड़की कहाँ है यहाँ पे, यहाँ है लड़की, तो हमें इसको इसके साथ मैच करना है। आँख, आँख, आ के ऊपर चंद्रबिंदु है, आँख, आँख। लड़का, ये लड़का है तो यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। नेक्स्ट है चाबी, चाबी, तो चाबी ऊपर है तो उसके साथ हम इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों के नाम लिखो। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो, यानी कि अलग अलग तरीके की सब्जियाँ हमने पेस्ट की हैं, इनको देखना है और बच्चे को पहचानना है और फिर उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। तो पहली सब्जी है आलू, तो आलू के लिए लिखेंगे हम अ, अ में आ की मात्रा, ल, ल में बड़े उ की मात्रा, आलू। बैंगन, क्या बनेगा ये, बैंगन, तो इसमें ब के ऊपर ए की मात्रा, ग, न, बैंगन। पत्ता गोभी, तो पत्ता गोभी के लिए लिखेंगे प, ता, पत्ता गोभी, तो ये भी एक हमारी हरी सब्जी है। इसके बाद है मटर, 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 मटर। फिर है घिया, घ में बड़ी की मात्रा और य में आ की मात्रा, घिया। टमाटर, ट, मा, ट, र, टमाटर। तो सब्जियों के नाम क्या क्या हुए, आलू, बैंगन, पत्ता गोभी, मटर, घिया और टमाटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ण दिए गए हैं और इन पिक्चर्स से रिलेटेड हमें इनको देख करके भरना है। तो यहाँ पे है घड़ी, तो डी लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे घ, डी, घड़ी। ऐनक, ऐनक, तो यहाँ पे आएगा क, ऐनक। इसके बाद हमें पिक्चर दी गई है कार, 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 तो पहले हम लिखेंगे क, क में आ की मात्रा, का, र। फूल, तो फूल लिखा है, अब हम लिखेंगे ल, फूल। खरगोश, तो हमें लिखना है यहाँ पे
खरगोश, खरगोश। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करो। तो यहाँ पे हमें कुछ मात्राएं लगानी है और शब्दों को पूरा करना है। पहली चित्र जो दिया गया है वो है नाव, तो यहाँ लिखा है नव, नव नहीं होता है, इसमें आ की मात्रा लगेगी तो बनेगा नाव, नाव। नेक्स्ट है किताब, 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 छोटी की मात्रा लगेगी, किताब, किताब। इसके बाद है मछली, तो लिखा है मछल, बड़ी की मात्रा लगेगी, मछली। नेक्स्ट पिक्चर है हमारी कछुआ, 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 छोटे की मात्रा लगेगी, कछुआ। इसके बाद है कबूतर, कबू, ब में बड़े ऊ की मात्रा, भालू, भ में आ की मात्रा, भा, और ल में बड़े ऊ की मात्रा, लू, भालू। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है यूकेजी हिंदी वर्कशीट। यूकेजी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वर्कशीट्स को चेक करने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के यूकेजी को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल किड्स लर्निंग फन को सब्सक्राइब। थैंक यू।